और चार कवर में इस वक्त की बड़ी खबर इंडोनेशिया से, जहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है। G20 समिट से पहले दोनों राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कोविड काल के बाद पहली बार दोनों नेताओं की यूं इस वक्त मुलाकात हुई है, ऐसे रूबरू होकर। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बाली में अहम मुलाकात, और खासतौर पर पिछले दिनों जिस तरह का तनाव देखा गया था ताइवान पर जब नैन्सी पेलोसी की यात्रा रही थी, और इसके अलावा भी जो इस तरह की बयानबाजियां रही हैं लगातार विश्व पटल पर, अर्थव्यवस्था में जो चीन का दबदबा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की परेशानी को बढ़ाता हुआ भी नजर आया है, और यही वजह है कि दोनों के बीच तलखी भी यहां पर देखी गई है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी G20 शिखर सम्मेलन के हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 14 से 16 नवंबर तक बाली में ही रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में 15 और 16 नवंबर को होगा, और करीब 45 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे, और इस बीच करीब 20 कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक भी उनके साथ मुलाकात होगी उनकी, और कहा यह जा रहा है कि 10 बड़े वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वो इस G20 समिट के लिए रवाना हो रहे थे तब की तस्वीरें, और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज रात को करीबन 8:30 या 9 बजे करीब इंडोनेशिया के बाली पहुंच जाएंगे। और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली में आज से ही G20 सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, और हम आपको आज बाली के तोह फाटी इलाके में रिपोर्ट वहां से सीधे दिखाने जा रहे हैं। ये वो चौराहा है जहां पर भगवान राम और उनकी वानर सेना की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है कि कैसे श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। सीधे वहीं से देखिए जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। इंडोनेशिया के बाली इलाके में ये तोफाटी चौराहा है जहां पर आपको भगवान राम और उनकी वानर सेना की जो है मूर्तियां नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये इसमें जो दिखाया गया है, जिस राम कथा का चित्रण किया गया है, इसमें बताया गया है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना किस तरह से राम सेतु का निर्माण कर रही है लंका जाने के लिए। देखिए वानर सेना में दिख रहे हैं आपको, हनुमान नजर आ रहे हैं, नलनील नजर आ रहे हैं, और इनको अलग अलग जो है रंगों से चित्रण किया गया है, और देखिए वानर सेना किस तरह से एक्शन में नजर आ रही है वो भी बताया गया है, पत्थरों को ले जाते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए, ये तमाम चीजों का चित्रण है। आपको बता दें इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और इंडोनेशिया के बाली में जो है सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तकरीबन 89 से 90% जो है वो हिंदुओं की आबादी बाली में है, जबकि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लिहाजा इस जगह आपको रामायण, महाभारत, रामकथा से जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, पत्थरों पर चित्रकलाएं और इस तरह से मूर्तियां आपको जगह जगह गली चौराहों पर देखने को मिलती हैं, जिस तरह से ये अद्भुत चित्रण मूर्तिकला के जरिए भगवान राम के सेतु निर्माण का और उनकी वानर सेना को दिखाया गया है, और साथ में समुद्र की लहरें जो है वो भी आप जो नीले और सफेद कलर से दिखाया गया है, वो समुद्र की लहरों के बीच इस तरह से भगवान राम और उनकी वानर सेना राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस जगह पर। तो ये अद्भुत चित्रण है इंडोनेशिया के बाली में, और जहाँ पर आपको तमाम तरह की चीजें, नकुल, सहदेव, महाभारत से जुड़ी हुई चीजें नजर आती हैं जो आप मूर्तियों के जरिए देख रहे हैं इस जगह पर, इस मुख्य चौराहे पर। तो पीएम मोदी 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर जा रहे हैं, और 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में बाइडेन और ऋषि सुनक और साथ ही दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रों के अध्यक्ष पहुंचेंगे, और साथ ही अगले महीने में भारत G20 का अध्यक्षता भी लेने वाला है। इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया फिर देखेगी भारत का दम।
हिंद की ताकत को सलाम करेगी दुनिया। दुनिया भर में भारत की साख लगातार मजबूत होती जा रही है। दुनिया के कई शक्तिशाली मुल्क आने वाले समय में भारत को ऐसे ही बड़ी महाशक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी मजबूत छवि के दम पर दुनिया में परचम लहरा रहा है। अब भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक माने जाने वाले G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। अगले महीने यानी 1 दिसंबर से G20 की सभी बैठकों की अगले एक साल तक भारत ही अध्यक्षता करेगा, जिसका साफ मतलब है कि ग्लोबल एजेंडा सेट करने के लिए भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसके बारे में आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस खबर पर नजर डालते हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 14 नवंबर से 3 दिनों के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।